नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ वारुण। मानसून ने शुरू में थोड़ी बेरुखी दिखाई, लेकिन अब मेहरबान हो गया है। सावन का महीना भरपूर बरसने लगा है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और भी कई राज्य, जहां अलग अलग इलाके तरबतर हो चुके हैं। अगले 3 दिन लगातार मानसूनी बारिश होने की संभावना है। बारिश का ये मौसम सुहाना है और किसानों के खेत में खुशियां बरसा रहा है। धान और सोयाबीन जैसी और भी फसलें किसानों के लिए जो फसल बोने का समय है वो अब आ चुका है, लेकिन बारिश के कारण कुछ परिवारों पर आफत भी आ गई है। कई जगह बिजली गिरने की घटनाएं हुई हैं, जिनमें 6 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में वर्षा जनित हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश के कारण बड़े शहरों के जो निचले इलाके हैं, वहाँ पर पानी भरने से आम जनता परेशान है। कई जिलों में तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, तो कई लोगों का रेस्क्यू तक करना पड़ा। 3 राज्यों में बारिश के क्या है हाल, जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन रिपोर्ट देख लेते हैं। सावन ने अब रंग जमाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाके तरबतर हो चुके हैं। बारिश ने जहां किसानों को सौगात दी है, तो वहीं निचली बस्ती में रहने वालों के लिए आफत का पैगाम बनकर आई है बारिश। मध्य प्रदेश में गुरुवार को 25 जिलों में भरपूर बारिश हुई और अगले 3 दिन में पूरे प्रदेश में मानसून छाने की उम्मीद है। अरब सागर के ऊपर बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने के कारण मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कई जगह अब बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश के 38 जिलों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। कहीं कहीं पर 2 से 4 इंच तक भी पानी गिर सकता है। गुरुवार को भी मध्य प्रदेश में कई जगह बारिश का दौर जारी रहा। बिजली गिरने से पन्ना में 4 और टीकमगढ़ में 2 लोगों की मौत हो गई। उधर बड़वानी में तेज बारिश के कारण नदी नाले उफान पर आ गए। आने वाले 2 दिन तक भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, मंदसौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, श्योपुर, सिंगरौली, सीधी, रीवा, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पन्ना, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में आने वाले 2 दिनों तक मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज, इटावा, औरैया और फारुखाबाद में भारी बारिश हो सकती है। यूपी में वर्षा जनित हादसों में कम से कम 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई जगह दीवार गिरने जैसी घटनाएं भी हुई हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कल रात तेज बारिश हुई और कई अन्य शहरों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून रोने का बीकानेर, कोटा, रायसेन, मंडला, अंबिकापुर, बालासोर और उसके बाद पूर्व दक्षिण, पूर्व की ओर, पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवात पश्चिम बंगाल और उससे लगे उत्तर ओडिशा के ऊपर 1.5 किलोमीटर से 7.6 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। इस सिस्टम से छत्तीसगढ़ में भी 7 और 8 जुलाई को कई जगह बारिश हो सकती है। यानी सावन पूरी तरह से मेहरबान है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। कई ऐसे शहर हैं जो तर बतर हैं। छत्तीसगढ़ में भी कई जगह बारिश हो रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिन कुछ इसी तरह के हालात छत्तीसगढ़ में भी रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के कई इलाके जो तर बतर हुए हैं, और उसमें राजनांदगांव में कैसी बारिश रही, सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजनांदगांव में किस तरह की बारिश रही सुशांत, और पिछले कुछ दिनों में भी तो चले जाइए, तो तब हालात क्या थे और अब स्थितियाँ क्या बन रही हैं, बताइए दर्शकों को। जी बिल्कुल, लगातार राजनांदगांव जिले में बारिश का सिलसिला जो है वो चालू हो चुका है। मानसून ने दस्तक दी है, उसके बाद जो जिले से लगती शिवनाथ नदी है वो भी देखने को मिल रहा है, उफान पर है। बात की जाए औसत वर्षा की, तो जिले में कुल औसत वर्षा का जो प्रतिशत है वो 136.3% अभी निकल कर सामने आया है। जहां 5 तहसीलों में बात की जाए
तो सबसे ज्यादा जो वर्षा का प्रतिशत निकल कर आया है वो डोंगरगढ़ ब्लॉक से निकल कर आया है, 165% बारिश हुई है जहां पर। और वहीं अगर सबसे कम बारिश की बात की जाए तो राजनांदगांव तहसील में निकल कर सामने आई है, जो 92.5% है। पांच तहसीलों की बात की जाए तो लगभग सभी जगह औसत से अधिक वर्षा जो है वो रिकॉर्ड की गई है अभी। वहीं वर्षा जनित जो हादसे हैं वो भी देखने को मिला है, और राजनांदगांव के समीप जो शिवनाथ नदी है वहां पिछले दिनों हमने अपनी खबर में भी दिखाया था कि जो पिकनिक मनाने गए लोग थे उनमें से दो जो डूब गए थे, जिनमें एक की मौत हो गई थी, वहीं एक को बचाकर निकाल लिया गया था। इस तरह लगातार जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन भी लगातार लोगों से भारी बारिश की चेतावनी के बाद लगातार जो है चेतावनी जारी कर रहा है कि जो पानी वाले इलाके हैं, नदी नाले, उफान जो है उससे दूरी बनाकर रखें, और लगातार जो है चाहे SDM हो, तहसीलदार हो, उन्हें कलेक्टर द्वारा लगातार निर्देशित किया जा रहा है कि जो बाढ़ जैसी स्थिति है और जो कमजोर घर होते हैं जो बारिश के दिनों में देखने को मिलता है कि वो ढह जाते हैं, उनका जो चिन्हांकन है वो कर लिया जाए और वहां से जो आम जनता है उसे दूर रखा जाए, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना जो है उसे होने से पहले ही बचा लिया जाए। जी बिल्कुल, लेकिन अगर हम पिछले साल की बात करें तो क्या जुलाई का महीना इस तरह से बरसा था राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में जो अब स्थितियां बन रही हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ दिनों पहले तो हम उम्मीद कर रहे थे कि बारिश आ जाए और अब तरबतर हो चुका है आपका शहर भी। जी बिल्कुल, लगातार राजनांदगांव जिले में गर्मी की भीषण मार देखने को मिल रही थी। वहीं बात की जाए पिछले वर्ष की तो पिछले वर्ष देखने को मिलता था कि वर्षा जो थी वो खंड रूप से हो रही थी, परंतु इस बार दो दिनों के अंतराल के बाद फिर एक बार बीते शाम से जो बारिश है उसने अपना रूप दिखाया है, और लगातार जो बारिश है वो सुबह तक होती रही। अभी कुछ समय पहले ही बारिश जो है वो थमी है, और जो अन्नदाता किसान है वो अब फसलों को लेकर अपने खेत का रुख कर चुके हैं, और बुआई और रुपाई का जो कार्य है वो अब शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी अच्छी खबर है कि जो बारिश है उसे लेकर मौसम विभाग भी जो है वो लगातार अच्छी खबर दे रहा है। जी बहुत शुक्रिया शशांक जानकारी देने के लिए। तो बारिश को लेकर तमाम जगहों से अच्छी खबर है कि अब जो बदरा बरस रहे हैं किसानों के चेहरे पर भी उसको लेकर खुशी है। जो बोनी अब किसान कर पाएंगे उसके लिए जमीन जो है वो पूरी तरह से तैयार रहेगी। पर लेकिन कई जगहों पर ये आफत भी बनकर आई है, लोगों के घरों में पानी घुस जाना, जिन जगहों से वो होकर निकलते हैं दुकानों में, कार्यालयों में, इस तरह की भी तस्वीरें कई जगहों से, अलग अलग जगहों से निकल कर सामने आई। और बारिश अब जिस तरह से हो रही है, देखिए मध्य प्रदेश की भी अगर हम बात कर लें तो दो दिन तक, आने वाले दो दिन तक जो बदरा बरसेंगे वो कुछ बहुत जम के बरसेंगे, और उनमें राजधानी भोपाल भी शामिल है। राजधानी भोपाल से पास में लगा विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा भी चले जाइए तो यहाँ पर भी जमकर बदरा बरसने वाले हैं। इन जगहों पर बारिश का अलर्ट तक जारी कर दिया गया है, इतनी बारिश होने वाली है। वहीं उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में आने वाले दो दिन जिसमें मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, बागपत, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, इन तमाम जगहों पर जो है भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यानी उत्तर प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में भी जहां जहां बदरा बरस रहे, इससे पहले भी आप थोड़ा सा देखिए ध्यान कीजिए तो हम परेशान हो रहे थे कि आखिर कब बारिश आएगी, क्योंकि गर्मी ने इतना जो सतम ढा दिया था, उसके बाद अब बारिश आ रही है तो जमकर बारिश आ रही है। और अब अलर्ट जारी कर दिया गया अलग अलग जगहों पर जहां बारिश से आपको बचकर रहना है। हेल्थ के भी इश्यूज लोगों के सामने आ रहे हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना है। इंदौर से बात करेंगे, योगेश हमारे साथ बने हुए। देखिए अभी मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे जहां अलग अलग जगहों पर जो कहा गया है कि पानी बरसेगा, और इसमें इंदौर भी शामिल है। हालांकि इंदौर को लेकर अलर्ट नहीं है, इंदौर के पास देवास, झाबुआ, यहां पर जरूर अलर्ट जारी किया गया। योगेश मेरे सहयोगी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वो हमें बताएंगे कि इंदौर में कल से लेकर अब तक कितना पानी बरसा है और इंदौर को लेकर भी कोई अलर्ट जारी किया गया है। वहीं कुछ दिनों पहले भी हम जब चर्चा कर रहे थे योगेश, तो हम इंतजार कर रहे थे कि बारिश आखिर आएगी कब। देखिए अभी जो स्थिति है, मौसम बहुत उमस भरा है, यानी कि इंदौर शहर में अभी गर्मी है और अभी आप देख सकते हो थोड़ी धूप छांव का मौसम बना हुआ है, लेकिन उमस बहुत ज्यादा है। कल जो 24 घंटे की बात करें तो कल 5:30 बजे तक 0.5 इंच बारिश हुई थी, और अब तक अगर हम बात करें तो अब तक 7 इंच बारिश जो है दर्ज की जा चुकी है। अगर हम जुलाई माह की बात करें तो जुलाई माह से हम अगर 1 तारीख से लेकर 6 तारीख कल तक की बात करें तो जुलाई माह में अब तक 4 इंच बारिश हो चुकी है, और जुलाई माह जो है वो जो है बारिश में फसलों के हिसाब से बहुत उत्तम होता है। अगर फसलों की बात करें तो ये जो मौसम है, जो बारिश रुक रुक के आ रही, जो एक दिन गिरती है एक दिन स्टॉप हो जाती है, तो ये फसलों के लिए थोड़ा अच्छा हो जाता है।
जुलाई माह में लगभग हम मान के चले तो 12 इंच बारिश होती है, ये अनुमान है मौसम वैज्ञानिकों का। और पिछले वर्ष लगभग 14 इंच बारिश हुई थी, यानी कि ये जो मौसम है ये तो माह, ये माह में 12 इंच बारिश होती है। अभी जो मौसम बना हुआ है ये अभी गर्मी का मौसम अभी थोड़ा चल रहा है, जो उमस का मौसम चल रहा है, अभी लोगों के एसी बंद नहीं हुए। कल जो थोड़ी सी बारिश हुई, तेज बारिश हुई, रात भर बारिश हुई, रुक रुक के बारिश हुई, बूंदाबांदी हुई, तो लोगों को थोड़ी ठंडक लगी। लेकिन सुबह से निकलते से धूप शुरू हुई और आप देख सकते हैं कि अभी मौसम थोड़ा सा गर्मी वाला है, धूप है, छांव आ रही है, तो अभी लोगों को गर्मी से राहत अभी नहीं मिलना। बारिश से जो आने का जो मौसम है, बारिश का जो मौसम है, बारिश जो आना चाहिए वो अभी मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी अभी नहीं आया। अभी थोड़ा और समय रुकना पड़ेगा इंदौर को बारिश के लिए, यानी कि बारिश के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ये जो मौसम है ये भी कुछ दिनों तक बना रहेगा, धूप छाव बादल वाला जो मौसम है बना रहेगा। बिल्कुल, इस मौसम को लेकर देखिए अब कितने रूप इस मौसम के हैं। एक तरफ आप ही का पास में ही पड़ोसी शहर उज्जैन, उसके अलावा भी आसपास के शहरों में अलर्ट जारी कर किया गया है, और वहीं आज जब हम इंदौर की तस्वीर देख रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को उमस से परेशान होना पड़ रहा है, गर्मी से परेशान होना पड़ रहा है। इंदौर में अभी तक लोगों के एसी बंद नहीं हुए हैं, और इसी बीच ये भी कि कल भी जो बारिश हुई उसने भी बहुत ज़्यादा कोई लोगों को राहत नहीं दी है इस गर्मी से। तब देखना होगा कि ये जो बदरा है वो कहाँ कहाँ ट्रेवल करके जाते हैं, जो बादल है कहाँ कहाँ ट्रेवल करके जाते हैं, और इंदौर में भी जाहिर है पहुंचेंगे हो सकता है, लेकिन आप लोगों को ज्यादा इंतजार करवाया जाए। बहुत शुक्रिया योगेश जानकारी देने के लिए। तो अरब सागर में ऊपर जो बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम डेवलप हो रहा है उसकी वजह से अलग अलग जगहों पर अब बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन ये भी प्रकृति है कि कई जगहों पर बदरा मेहरबान है तो कई जगहों पर सूखा पड़ा हुआ है। उज्जैन की भी हम बात कर रहे थे, उज्जैन के आसपास के शहरों में भी आप देख लीजिए, देवास है, उज्जैन माफ कीजिए इंदौर की हम बात कर रहे थे, इंदौर के आसपास का जो शहर है जिसमें उज्जैन है, देवास है, यहाँ पर भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन इंदौर में उमस पड़ी हुई है, इंदौर में बड़ी गर्मी है, और इसीलिए कहा जाता है प्रकृति है किस पर मेहरबान हो जाए कहा नहीं जा सकता। फिलहाल किसान इंदौर के भी, इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में भी जो ज़मीनें हैं, फसलें जहां पर किसान अपनी बोनी करते हैं, वहां भी थोड़ी सी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, लोगों का किसानों के चेहरे पर वो रौनक वो खुशी नहीं है, क्योंकि रुक रुक कर बारिश ज़रूर हो रही है, लेकिन कह रहे हैं किसान कुछ की अच्छी है ये बारिश उनके लिए जो रुक रुक कर हो रही है या कम हो रही है, लेकिन कई जगहों पर जो अच्छी बारिश हो गई है उससे ज़रूर किसानों के जो चेहरे वो खिलखिलाए हुए हैं। तो इस बारिश ने एक तरफ तो किसानों के चेहरे पर खुशी लाई है तो दूसरी तरफ आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगहों पर पानी भरने की वजह से लोगों का सामान खराब हुआ है, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो घर जब घर से बाहर देखते तो पानी पानी उन्हें दिखता है, तो मजबूरी में तो ज़रूर लोग जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो स्कूल जाने वाले हैं, जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, वो छाते या फिर रेनकोट का सहारा ले रहे हैं, और कई जगहों पर अभी भी एसी बंद नहीं हुए हैं। करिश्मा हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, उनसे जान लेंगे कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में मॉनसून की स्थिति क्या बन रही है। करिश्मा जी, पारुल, मॉनसून की स्थिति अगर छत्तीसगढ़ की बताए तो देखा जा सकता है कि हर जिले में लगातार बारिश हो रही है। बीती रात की अगर बात करूं तो रायपुर राजधानी में तेज वर्षा हुई, जिसकी वजह से अलग अलग क्षेत्रों में देखा गया है कि घुटनों से ऊपर तक का पानी भर गया, लोगों को आने जाने में काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना है पारुल। और साथ ही में देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं अभी की, तो पीछे भी देख सकते हैं किस तरीके से जो है पानी पूरी तरीके से भरा हुआ है, और साथ ही में जमावड़ा जो है पानी का हर क्षेत्र में नजर आ रहा है। बात करें रायपुर राजधानी की तो कचना में, तेली बांधा में, टिकरापारा में और कई ऐसे क्षेत्र है, विधानसभा रोड की भी अगर बात करें तो लगातार पानी का जमावड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी यहीं पर था रायपुर राजधानी में, जिसे लेकर के हर जगह बैरिकेडिंग की गई थी। उसके बाद ही मानसून ने जब अपना कहर बरपाया और हर क्षेत्र में पानी भरा है, उसे लेकर के लोग काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जिलों से देखा गया कि भर भर कर बसों में लोग उनका संबोधन सुनने आए, जिसे लेकर के देख सकते हैं कि पानी इस कदर कहर बरपा रहा था कि अलग अलग क्षेत्रों में पानी भर गया है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पारो। और अगर अलग पूरे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में भी देखा जा सकता है कि लगातार जो है अभी और भी अलर्ट जारी किए गए हैं कि अभी और बारिश होगी। 3 दिन पहले ये अलर्ट जारी किया गया था मौसम विभाग द्वारा कि 3 दिनों तक भारी वर्षा की संभावनाएं पूरे छत्तीसगढ़ में बनी हुई है। ऐसे में बीती रात देखा गया कि भारी बारिश हुई है और आगे भी भारी बारिश के आसार पूरे छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं। रायपुर राजधानी में गरज चमक के साथ वज्रपात होने की भी संभावनाएं अलग अलग क्षेत्रों में बनी हुई है।
ऐसे में किस तरीके से लोगों को इस मॉनसून से निजात मिलेगी वो देखने वाली बात होगी। और पानी की निकासी की जो समस्या है वो छत्तीसगढ़ सरकार जो है राज्य सरकार किस तरीके से उस पर जो है अमल करती है वो भी देखने वाली बात होगी। पारो बिल्कुल, तो एक तरफ है चुनावी समय है, चुनावी समय में रैलियां दौरे ये सब चल रहे हैं, लोगों का भी उन कार्यक्रमों में पहुंचना ज़रूरी हो जाता है अगर वो पॉलिटिक्स से बिलोंग करते हैं, राजनीति में ताल्लुक़ रखते हैं। और उसके अलावा झमाझम हो रही बारिश तो इन कार्यक्रमों में कहीं ना कहीं खलल डालने का काम तो कर ही रही है। बहरहाल लेकिन शो मस्ट गो ऑन और सभी जगह अपने अपने काम, भले बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, लोग घरों से निकलते हैं, अपने काम को जाते हैं। और यही कुछ हम छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं, जैसे आपने भी बताया कि कार्यक्रम तमाम हैं लेकिन लोगों का पहुंचना भी आवश्यक हो रहा है। बहरहाल कई बार जो लोग हैं कतराते हैं कि बारिश हो रही है तो वो ना जाएं, लेकिन अब इससे तर बारिश है और आप भी बता रहे हैं कि घुटनों तक जब पानी भर जाए तो जाहिर सी बात है घरों में जो दुकानें जो निचली जगहें हैं वहाँ पर तो बड़ी ज़्यादा हालत ख़राब होगी पानी की वजह से। जी पारुल, बता दें कि जितने भी अंडरब्रिज बने हुए हैं अलग अलग जगहों पर, रायपुर में देखा जा रहा है कि 2 से 3 जगह अंडरब्रिज बने हुए, वहां पर भी देख सकते हैं कि काफी ज्यादा भारी मात्रा में जो है इतना पानी भर चुका है कि लोगों का वहां से आना जाना मुश्किल हो गया। और अंडरब्रिज में हम जानते हैं कि जो कार होती है, बड़ी गाड़ियां होती है, वही आगे निकल पाती है, और जो छोटी गाड़ियां होती है जैसे स्कूटी और बाइक, उनके साइलेंसरों में भी पानी भर जाता है जिसकी वजह से वो ज्यादा पानी में जा भी नहीं पाती। इस वजह से काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और कई ऐसे क्षेत्र भी हैं, कई ऐसे वार्ड हैं रायपुर राजधानी में देख सकते हैं जो कि निचले स्तर पर बनाए गए हैं जिसकी वजह से लोगों के घरों तक में गंदा पानी घुस रहा है और स्वास्थ्य पर भी इससे सबसे ज्यादा असर जो है रायपुर राजधानी में देखने को मिल रहा है। जिला अस्पताल में भी देख सकते हैं कि मरीजों की संख्या धीरे धीरे डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों के जितने भी मरीज है जिला अस्पतालों में बढ़ते जा रहे इस मानसून के चलते पास। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया करिश्मा जानकारी देने के लिए। तो अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं और बारिश की वजह से लोग भी परेशान हैं, जो निचले एरिया हैं जिनमें अंडरब्रिज भी हैं कई, वहाँ पर भी लोगों को निकलना उनका बहुत परेशानी हो रही है। गाड़ियों से भी जा रहे हैं तो उनकी गाड़ी खराब होने का डर उन्हें सता रहा है। वहीं पानी अच्छा गिर रहा है जिसके लिए सभी को इंतजार था, लेकिन उसके तर पानी आया है तो थोड़ी परेशानी भी लेकर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जिसको लेकर भी करिश्मा हमें बता रही थी कि वहाँ तक लोगों को पहुँचने में काफ़ी दिक्कतें हुई, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री आए तो उनको देखने के लिए तमाम लोग वहाँ पर इकट्ठा भी हुए थे। और इसी के तरह आप देखें तो एक अलग सिस्टम डेवलप हुआ है जिसके बाद तमाम राज्यों में अलर्ट भी जारी किए गए, छत्तीसगढ़ भी उनमें है जहां झमाझम बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया था। और ये भी बताया गया था कि जो सिस्टम डेवलप हो रहा है इससे काफ़ी गर्मी से तो राहत मिलेगी ही, लेकिन अच्छी बारिश होगी जिससे किसान हैं उनको भी उनके चेहरे पर भी खुशी आएगी। और उसके अलावा भी आप देख लीजिए तो कई जगहों पर जो बारिश है वो अच्छी रिकॉर्ड हुई है, अभी तक जो दर्ज हुई है वो अच्छी दर्ज हुई है, जिसमें कुसमी है 13 सेंटीमीटर, छत्तीसगढ़ का कुसमी जहाँ पर 13 सेंटीमीटर बारिश, लोहांडी गुड़ा डोंगरगढ़ यहाँ पर भी 7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है, सुकमा माना रायपुर 6 सेंटीमीटर बारिश कल तक दर्ज की गई थी। आज जो ताज़ा आंकड़े हैं वो करिश्मा में बताई नहीं थी, थोड़ा बहुत अंतर आया है लेकिन काफ़ी अच्छी बारिश बताई जा रही है। घुटनों तक पानी भर जाना यानी लोगों के घरों में भी पानी भरा है, निचले एरिया में पानी भरा है और कई सारे जो कार्यक्रम हैं उनमें लोगों के पहुंचने में उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। और चुनावी समय है अलग अलग राज्यों में, जो जहां जहां चुनाव होने हैं वहां पर भी अब राजनीतिक कार्यक्रमों का दौर शुरू हो गया है, लोगों का वहां तक पहुंचना भी शुरू हो गया है, लेकिन जो बारिश है उसमें थोड़ा खलल डालने का काम कर रही है। और लोग किस तरह से इस बारिश में देखे होकर गुजर रहे हैं तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, झमाझम बारिश और बारिश के साथ लोगों का उस बारिश में होकर गुजरना। कई जगहों पर ये बारिश काफ़ी लाभकारी होती है लेकिन जिनकी जिनके घर निचले एरिया में होते हैं वहाँ पानी भर जाना, उनकी गृहस्थी, उनका घर का सामान खराब हो जाना, उनके लिए फिर परेशानी हो जाती है। शुजालपुर से ओम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें बताएंगे कि वहाँ पर किस तरह की बारिश देखी जा रही है और कई जगहों पर तो अलर्ट भी जारी किया गया है। शुजालपुर में भी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पर भी बताया गया कि अच्छी बारिश का अनुमान है, 2 दिन में और भी ज़्यादा जमकर बरसेंगे बदरा यहाँ पर। क्या कुछ इस वक्त मौसम के मिजाज? जी पारुल, बताना चाहूंगा कि मौसम का मिजाज काफी बरसावना जैसा है और काफी देर रात से बारिश होती लगातार, कई नदी नाले उफान पर है इस समय, कई जगहों पर रेड अलर्ट जारी कर रहा। शाजापुर जिले की बात करें तो शाजापुर जिलों में भी कई जगहों पर चिन्हित किया गया है, मौसम विभाग द्वारा अलर्ट किया गया है कि आने वाले अगले 24 घंटों में भारी बरसात की संभावना है। अभी जहाँ खड़े हैं वो काफी बड़ी नदी है, वो भी इस टाइम पूर्व दिख रही है आपको, क्योंकि काफी जो बरसात है इस टाइम, जो जुलाई का महीना है जो रहता है इसमें काफी बारिश, जो बोनी का सीजन रहता है इसमें बोनी हुई है, पहली सोयाबीन की फसल की बोनी हुई है, उसमें लगातार बारिश हो रही है। तो अभी जो आवस हो रही है, आम सुजालपुर में खड़े हैं वहाँ की बात करें तो कहीं धूप कहीं छाव, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उमस जो हो रही है बहुत भयंकर उमस हो रही है, उसी कारण बारिश
इसका असर तेज नजर आ रहा है। देर रात तक बारिश का लगातार दौर जारी था, कई जगहों पर बिजली गिरने की आशंका जताई गई, तो कई घटना भी घटी बिजली गिरने से। पारुल बिल्कुल, तो बिजली गिरने से यानी वज्रपात होने से भी घटनाएं घटती हैं अलग अलग जगहों पर, उससे बचने के उपाय भी जो विभाग हैं उनकी तरफ से बताए जाते रहे हैं, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है और सेहत को लेकर भी ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि लगातार हम अपील भी कर रहे हैं दर्शकों से कि आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, क्योंकि जैसे सिस्टम चेंज होता है, जैसे मौसम चेंज होता है, वैसे वैसे बीमारियाँ बिखर करती हैं। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड जैसी बीमारियाँ भी आपको परेशान करेंगे, अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती है। बहुत शुक्रिया हूँ जानकारी देने के लिए। दिल्ली और तमाम राज्यों में चले जाइए तो दिल्ली एनसीआर में तो ये तक था कि दिन में ही अंधेरा छा गया था, इतनी ज्यादा बारिश वहां पर दर्ज की गई, और बाकी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और भी कई राज्यों जहां पर अलर्ट जारी किया गया है, अच्छी बारिश की संभावना है। और इसी के साथ ये भी कि अपना ख्याल रखिए, क्योंकि जैसे जैसे मौसम परिवर्तन हो रहा है, सेहत से जुड़े हुए जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों के मामले बढ़ रहे हैं, मरीज बढ़ रहे हैं, उनके साथ डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड जैसे जो इश्यूज हैं वो भी बढ़ रहे हैं। इसलिए पानी साफ पीजिए, अगर साफ नहीं आरओ का पानी नहीं तो कम से कम आप या बॉइल वाटर लीजिए, इसका खासतौर पर बच्चों के लिए तो आवश्यक ध्यान रखें, बच्चों बुजुर्गों के लिए, और डाइट अच्छी लीजिए। और बारिश से जो लोग परेशान हैं उनके लिए सिर्फ यही कह सकते हैं कि अगर आप हो सके तो आप निचले एरिया में रह रहे हैं तो अपने दूसरे फ्लोर पर शिफ्ट हो जाइए, या फिर ऐसा कीजिए कि कहीं और शिफ्ट हो जाइए, यही एक उपाय हो सकते हैं जब बारिश आती है, या तो फिर प्रशासन को भी कहा जा सकता है, क्योंकि बारिश के समय पर जो पानी भर जाता है उसकी वजह हम लगातार कार्यक्रमों में चर्चा कर भी रहे हैं कि पानी जब भर जाता है तो दिक्कत यही होती है कि पानी की निकासी कहीं ना कहीं रुक जाती है, इसी वजह से दूसरी जगह पर पानी भर जाता है। तो दिक्कतें तमाम होती हैं, लेकिन बारिश भी ज़रूरी है, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो धरती पर पानी नहीं होगा। तमाम चीज़ें जो चेन है, जो साइकिल है सिस्टम की, उसका होना भी ज़रूरी है। और अपना ख्याल रखिए, लीजिए इजाज़त, नमस्कार।